लेकिन इसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं है और नाम भी मैंने आज ही सुना है। घड़ी घड़े पहुंच चुके 11:05 पर, आप पहुंच चुके यूट्यूब चैनल वेक व्लॉग्स पर और हम लोग हैं सेक्टर 5 पंचकुला में। हाय, दिस इज दीपक शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक व्लॉग्स। और आज हम लोग आए हैं सेक्टर 5 पंचकुला परेड ग्राउंड में और यहां पर लगा हुआ है स्वापन आजीविका मार्ट और ये मुझे कुछ कुछ हुनर हाट के जोनर का ही इवेंट लग रहा है। लेकिन इसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं है और नाम भी मैंने आज ही सुना है, स्वापन आजीविका मार्ट। तो फटाफट से चलते और देखते कि क्या अपने को देखने को मिलता। तो आ जाओ। यहाँ पर अभी एंट्री हुई ही है और यहाँ पर फुल ऑन देसी मूड चालू है। देखो जी, फुल ऑन देसी परफॉर्मेंस के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं आगे और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या आप लोग देखने को मिलता है। तो जी अभी यहाँ पे अपने को क्या नाम पता है आपने, गजराज सिंह, यहाँ पे गजराज जी मिले हैं और ये अपने को ये इलेक्ट्रिकल मशीन है कोई और इससे ही अपने को मिट्टी के बर्तन बना के दिखाएंगे। देख यहाँ पे इन्होंने इतना खूबसूरत सा ये मेरे को वाटर बॉटल बना के दिखा दिया मिट्टी का और हार्डली 5 से 7 मिनट लगे होंगे। और अभी आगे से इनका कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं और आपको मैं दिखा दूंगा कार्ड, और अगर आपको इनसे कुछ भी बनवाना हो या आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। ओके,
मेरा नाम राजकुमारी है, मैं जिला सोनीपत मुथल ब्लॉक से गांव गढ़ी में मारपुर से हूँ। बताइए। और वैसे जी में जुड़े हुए हैं। अच्छा। और देसी गाय को पालन करते हैं और उसे शुद्ध घी बना के, बिलोना घी बना के हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को सेहत अच्छी मिले। किचन गार्डनिंग भी करते हैं, लोगों की छतों के ऊपर सब सारी सब्जियां प्रोवाइड कराते हैं, दार मुरब्बे सारी चीज़ हैंडमेड है। सोयाबीन बिस्किट हैं, ये बाजरा बिस्किट है, ये आंवले के लड्डू हैं, आंवले की कैंडी हैं, मल्टीग्रेन आटे के बिस्किट हैं और ये सिंपल आटे के बिस्किट है, गेहूँ के 306 गेहूँ के, ये हाथ की थोड़ी हुई सीमियाँ हैं रोस्ट की हुई। ये देसी खांड है, प्योर देसी खांड है। नाम बता दो जी, कहाँ से हो? कमलेश बागवी। अच्छा जी, कहाँ से हो? क्लस्टर की प्रधान कमलेश बागवी, चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी। ये सामान जी हाथों से बनाते हैं सारी बहन अपनी, ये जो बहन से ग्रुप आड़ी वह बनावे हैं, जो वेस्ट सामान है उसका बनाते हैं। और भाई जिस तरह कोई एक आधी चीज़ खरीदनी पड़ जाए तो वह खरीद के ना उसने सामान ने बढ़िया कर दिए हैं, उनका कोई 2 रुपये का साधन हो गया कमाई का, आजीविका का साधन कमाने खाते। सत्या जी, मैं गांव दखेड़ी ब्लॉक थानेसर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा से, मेरा मैक्रम डोरी का काम है जी और ज्योत बत्ती का भी काम है जी। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, एक दिन में हम 1 से 1.5-2 किलो बना देते हैं जिसे हमारी आजीविका बहुत अच्छे से चली हुई है। जिला कुरुक्षेत्र, मेरा अचार चटनी मुरब्बा बनाने का काम है। और आई जी, तो जी अभी यहाँ पे आ चुका है फूड कोर्ट और अभी फूड कोर्ट देखते हैं।
तो जी अब ऑलमोस्ट ये जो आजीविका मार्ट है ये ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और अभी एक दो स्टोर्स बचे हैं और उनमें ऑलमोस्ट वही सामान है जो हम पहले देख चुके हैं। तो अभी आपको एक ही बीरोल में ये सब चीज़ें दिखा देते हैं। जी तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेज की तरफ को और अभी आपको वहाँ का अरेंजमेंट दिखाते हैं कि क्या सेटिंग अरेंजमेंट है और क्या क्या चीज़ वहाँ पर है अवेलेबल। तो जीतो जी ये वाला जो एग्जीबिशन है ये हम लोगों ने कवर कर लिया है और यहाँ के लोग इतने ज़्यादा फ्रैंक थे ना कि मतलब कि मज़ा आ गया व्लॉग करने में और ऐसा एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं गया जैसा कि आज का एक्सपीरियंस रहा था। और मतलब कि मुझे ज़्यादा व्लॉग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब कि उनकी जो स्पेशलिटी है जो उनका काम है वो अपने आप ही बताते रहे थे अपने बारे में एंड इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि सर हमारा प्रमोशन करो हमारा प्रमोशन करो तो मतलब कि मज़ा आ गया। एंड आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग देखने में इतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझे शूट करने में आया। एंड ये वाला जो व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस एपिसोड। आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड। टिल नेक्स्ट बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मैं मिलता हूं आपको अगले व्लॉग में।